आज हम आपसे शेयर करेंगे कैसे हम नवरत्न कोरमा को इजी प्रोसेस में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। मैंने पनीर को क्यूबों में काट ली है। हमें चाहिए होगा गोभी, जिसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है। अब एक प्लेट में हमने ले ली है और भी कुछ इंग्रेडिएंट। इसमें है क्यूब में कटा हुआ आलू, क्यूब में कटा हुआ शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरे मटर और कुछ बीन्स ली है। क्यूबों में कटा हुआ कैरेट है यहाँ पर, और हमें चाहिए होगा कोरिएंडर लीव्स। अब देखते हैं मसाले बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे है 4 मगज, अदरक, ग्रीन चिली और कैजू नट्स। अब हम इस सभी चीज़ों को थिक पेस्ट में ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अब हमने जो वेजिटेबल्स ली थी उसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने दी है। अब पहले ही हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करके हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। अब आलू फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट्स। कैरेट्स डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करके फ्राई करना है। आलू और कैरेट्स को फ्राई करने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स और अच्छे से इसे मिला लेंगे। ऐसे हम इन तीन वेजिटेबल्स को एक साथ फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई हो जाने के बाद इन सभी वेजिटेबल्स को हम छान के ऑयल से अलग कर लेंगे। अब हम उसी ऑयल में पनीर को फ्राई करेंगे। अब पनीर फ्राई हो जाने के बाद उसे भी हम छान के ऑयल से उतार लेंगे। उसी ऑयल में हम ऐड करेंगे कॉलीफ्लावर और उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये कॉलीफ्लावर अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और उसे भी मिला के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये भी फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पीस। अभी ये सभी चीज़ फ्राई हो जाने के बाद हम इसको ऑयल से उतार लेंगे। अब कढ़ाई में फिर से ऑयल देकर और उसमें हम ऐड करेंगे 4 मगज और अदरक एक साथ जो हमने पेस्ट की थी। इस पेस्ट को ऑयल में ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। हम फ्राई करते समय हमारे गैस की जो फ्लेम है वो लो रखेंगे। इस पेस्ट में एक एक करके मसाला ऐड करेंगे। ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी ऐड करके हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। फिर इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। फिर इसमें यहाँ पे हम ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करके हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से इसे फ्राई करना है। अब ये मसाला अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कैसे अपने आप इसमें से ऑयल निकल आया है। हम इन मसालों में सभी फ्राई किए हुए इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना होगा और हम इन चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक ना ये अपने आप सॉफ्ट हो जाए। वेजिटेबल्स पक जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे वाटर। पानी ऐड करके हम इसे फिर से पकाएंगे। अब कुछ ही देर के लिए हमें इसे ढक देना होगा। 5 मिनट बाद जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो हम ढक्कन को खोल लेंगे। ढक्कन खोल लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी।
अब हमारी नवरत्न कोरमा की रेसिपी बनकर तैयार है। अब इस कोरमा को हम सर्व करेंगे दम आलू और वेज फ्राइड राइस के साथ। आप चाहे तो इसे पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।